दरअसल बूंदी में आज राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये दूसरी जनसभा आज राजस्थान दौरे के तहत उनकी, और मंच पर मौजूद है राहुल गांधी, कुछ कह रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप यहां आए मेरी बात सुनने, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है, आपको नई सरकार चुननी है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप लोग, हम लोग। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दो हिंदुस्तान होने चाहिए, एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, बड़ी चमकती हुई गाड़ी वाला हिंदुस्तान, और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, हमारी माताओं बहनों का, छोटे दुकानदारों का, बेरोजगार युवाओं का। कांग्रेस पार्टी कहती है एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा है। अगर दो हिंदुस्तान होने थे तो दो झंडे होते, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा, उसमें सबको न्याय मिलेगा। और आप अगर हमारा काम देखें, चाहे वो सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, बैंक नेशनलाइजेशन हो, कंप्यूटर की क्रांति हो, टेलीफोन की क्रांति हो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, जो भी हम करते हैं, जब भी हम सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सोच समझकर हम काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल हुए लोकसभा में भाषण दिया, मैं देख रहा था, और भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया, मनरेगा का मजाक उड़ाया, भाषण में कहा कि देखिए, मनरेगा शर्म की बात, मनरेगा सबसे बेकार योजना है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने लोगों से गड्ढे खुदवाए। हमारे प्रधानमंत्री को मनरेगा ही नहीं समझ आई, मनरेगा क्या थी, मनरेगा का क्या लक्ष्य था, आम नागरिक को, स्कूल जाते हुए बच्चे को समझ आ गया, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मनरेगा नहीं समझ आई। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि मनरेगा के पीछे बहुत गहरी सोच थी। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदने का काम नहीं था, सबसे पहले मनरेगा ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, गांव में इन लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई, खरांजे बनाए, सड़कें बनाई, तालाब बनाए, और जब इन सब ने, करोड़ों लोगों ने ये काम किया, तो इनके जेब में पैसा आया। जब इनके जेब में पैसा आया तो फैक्ट्रियां जो खरीदना चाहते थे, फैक्ट्रियां उन्होंने वो बनाना शुरू किया।
वो मनरेगा का काम करते थे, जब उनके जेब में पैसा आया उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की, जब उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया, जब फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया रोजगार पैदा हुआ, जब रोजगार पैदा हुआ जो मनरेगा कर रहे थे वो फैक्ट्रियों में जाके काम किए, तो हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया। अब यह बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई, अब यह बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई कि जब तक आप गांव में पैसा नहीं डालोगे, जब तक आप गरीब जनता के जेब में, इन माताओं बहनों के जेब में पैसा नहीं डालोगे, तब तक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू नहीं होंगी, क्योंकि अंत में यही लोग खरीदते हैं, माल यही लोग खरीदते हैं, साबुन ये खरीदते हैं, टूथपेस्ट ये खरीदते हैं, कपड़े ये खरीदते हैं। तो हमने इनके जेब में पैसा डाला, इन्होंने काम किया, खड़ांजे बनाए और फिर उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जैसे ही चीजें खरीदनी शुरू की हिंदुस्तान का इंजन जो है, अर्थव्यवस्था का इंजन है, वो चालू हो गया धड़ाम से और सबको फायदा हुआ। मतलब गरीबों के हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक आपको बोलेरो नहीं दिखाई देगी, गरीबों के घर में जब आपको नहीं बोल रहा हूं, गरीबों के घर में जब तक आपको टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, नई शर्ट नहीं दिखाई देगी, तब तक हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था का इंजन शुरू नहीं हो सकता। अब यह बात आप किसी भी बच्चे को कह दो समझ जाएगा, कहा हां भैया सही बात है, मगर यह बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया, मनरेगा को खत्म किया, फिर भोजन अधिकार को खत्म किया, वहां तक बात चल भी सकती थी क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बड़ी होशियार है, काम निकाल लेती है, मगर फिर इस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर डाली। नोटबंदी से क्या हुआ, जो आपके पास था, जो आपके जेब में था, आपके घरों में था, आपका पैसा, गांव में जो पैसा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ के बैंक में डाल दिया, तो आपके पास कोई पैसा नहीं बचा। वो अलग बात है कि आपसे पैसा लेकर उन्होंने नीरव मोदी को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, ललित मोदी को दिया, उस पर मैं आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटबंदी कर दी और सिस्टम से पूरा का पूरा पैसा छीन लिया, निकाल लिया। जब गरीबों की जेब में पैसा नहीं बचा, छोटे दुकानदारों की जेब में पैसा नहीं बचा, उन्होंने माल खरीदना बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी चोरी चालू हो गई। सीधी सी बात, यह बात नरेंद्र मोदी जी को नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नोटबंदी का झटका मारने के बाद कहते हैं भैया अब मैं गब्बर सिंह को बुलाऊंगा। अभी बात नहीं हुई, अभी मैंने हिंदुस्तान के गांव से छोटे दुकानदारों से और पैसा छीनना है और गब्बर सिंह टैक्स लाए। गब्बर सिंह टैक्स से क्या हुआ, जो छोटे दुकानदार थे, छोटे बिजनेस चलाते थे, स्मॉल मिडिल साइज बिजनेस चलाते थे, उनके जेब में से इन्होंने पैसा निकाल दिया। सिर्फ पैसा नहीं निकाला, जो इनकम टैक्स वाले हैं उन सबको इनके पीछे छोड़ दिया। आज छोटा दुकानदार हो, स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन हो, आज वो व्यापार नहीं कर रहा, आज वो सिर्फ जीएसटी की फॉर्म भर रहा है, दिन भर वो जीएसटी की फॉर्म भरता है और प्रार्थना करता है कि टैक्स वाला आके हमसे रिश्वत ना मांगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठप कर दी, बंद कर दी, ना रोजगार पैदा हो रहा है, ना गांव में पैसा है, ना माताओं बहनों की जेब में, घर में रुपया। बड़ी मुश्किल है, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हैं। जहां भी आप जाओ, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी चले जाओ, किसी भी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, क्या करते हो, आपको बताएंगे कुछ नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम नष्ट कर दिया है, पूरा
का पूरा ढांचा खत्म कर दिया है और इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, इस व्यक्ति को हिंदुस्तान समझ नहीं आ रहा है, ये बात इसको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये दिन भर भाषण देते हैं, झूठे वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, किसानों को कर्जा माफ कर दूंगा, सही दाम दिला दूंगा। 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दे दूंगा, बस भैया एक काम करना, प्रधानमंत्री बना देना मुझे, प्रधानमंत्री बना दो, मैं चौकीदार बन जाऊंगा और फिर देखना मजा। एक भैया छोटा सा सवाल, नहीं एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब गांव में रहते हो, आप एक बात मुझे बताओ, क्या किसान के घर के सामने चौकीदार मिलता है, खड़ा दिखाई देता है? क्या बेरोजगार युवा के सामने, घर के सामने चौकीदार दिखता है? ना, चौकीदार सिर्फ अनिल अंबानी के घर के सामने दिखते हैं, लाइन लगी रहती है चौकीदारों की। पहले कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, मैं काला धन निकाल दूंगा। अब कहते हैं हम सब चौकीदार। तो चौकीदार ने चोरी की और फिर कहता भैया आप सब चोर। देखिए पहले नारा माताएं, देखिए पहले नारा हुआ करता था मोदी जी के बारे में, मोदी जी आते थे कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब देखिए चौकीदार। अब ये देखिए क्या हुआ, ये कैसे जादू हो गया, 5 साल के अंदर अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हो गया? चौकीदार चोर, रोजगार नहीं है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता और 15 लाख रुपए तो नहीं आए। अच्छा यहां किसी को 15 लाख रुपए मिले, कोई है यहां पे? तो हम काफी समय से 6-7 महीने से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हम सब बैठे हैं इसके बारे में हम 6-7 महीने से सोच रहे हैं कि ये 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं, अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का, कमजोर लोगों का हिंदुस्तान। अर्थव्यवस्था इसने खत्म कर दी, पूरा इंजन बंद है, बेरोजगारी। तो हम कुछ महीनों से अब बात कर रहे हैं और हमने एक निर्णय ले लिया है और मैं आपको एक ऐतिहासिक आज बात बताने जा रहा हूं। गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है, गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। मैंने सोचा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होनी चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं कि हम मॉडर्न देश की बात करते हैं, सुपर पावर की बात करते हैं, मगर हमारे देश में करोड़ों गरीब लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने गरीब को मिटाने की कोशिश की, हम अब गरीबी को मिटाएंगे। तो कैसे करा जाएगा मैं आपको थोड़ा बताता हूं, माताएं बहनों को बताता हूं, क्योंकि ये जो पैसा आएगा, आप मुस्कुरा रही हैं मगर ये जो पैसा आएगा ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, औरतों के बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी 2019 में क्या करने जा रही है। धमाका। अब सुनिए, हमने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान में 2019 में हम एक मिनिमम आमदनी की लाइन बना देंगे, मतलब इतने रुपए की मिनिमम आमदनी की लाइन है, उस लाइन से कोई भी नागरिक नीचे नहीं रहेगा, मतलब कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने जा रही है।
अब आप कहोगे कि ये लाइन कितने रुपए की होगी, कम से कम आमदनी कितने रुपए की होगी, मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान की मिनिमम आमदनी की लाइन 12,000 रुपए हर महीने की होगी। मतलब इस देश में 5 साल बाद जहां भी आप ढूंढो आपको 12,000 रुपए से कम आमदनी वाला एक व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। अब आप कहोगे ठीक है भैया, आपने 12,000 रुपए प्रति महीना की लाइन बना दी तो क्या हुआ? मैं आपको अगला कदम बताता हूं। हम लाइन बनाएंगे और जो भी इस लाइन से नीचे हैं, जो भी परिवार इस लाइन से नीचे हैं, हम उनको चुन चुन के उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल देंगे। कितना पैसा? अब आप हैरान हो जाओगे कितना पैसा डालेंगे, मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को, उनके परिवारों को अच्छी तरह सुनिए, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय किसी भी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। से चलते हैं बूंदी, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दे सकते हैं ललित मोदी को हजारों करोड़ रुपए, दे सकते हैं मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए, दे सकते हैं अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, दे सकते हैं 30,000 करोड़ रुपए राफेल मामले में दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का दे सकती है। देखिए होगा क्या, गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। जैसे ही गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, गरीब लोग अलग अलग चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे, वैसे फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे फैक्ट्रियां चालू होंगी, हमारे जो युवा आज बेरोजगार हैं, उनको उन फैक्ट्री में काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल नुकसान किया है, जो आपके खिलाफ अन्याय किया है, जो छोटे दुकानदारों को मार मार के पीटा है, जो स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की धज्जियां उड़ाई है, जो किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है, जो युवाओं को बेरोजगार किया है,
साल का अन्याय जो उन्होंने किया, इसके लिए हम आपको अगले 5 साल में न्याय देंगे और आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालेंगे। मैंने आपसे वायदा किया था, राजस्थान के चुनाव में मैंने आपसे साफ कहा, देखिए मैं 15-20 वायदे नहीं करता हूं, मगर जो मैं कह देता हूं मेरे मुंह से अगर वो बात निकल गई तो मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं करके देता हूं। मैं आपसे 15 लाख की बात नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर आपको यह नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। मैं आपको सच बोलूंगा, 72,000 रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे साल के। मैंने आपसे कहा था, चुनाव में कहा था, देखिए आसमान फट जाए कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आएगी, 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कहा था नहीं कहा था? हो गया, हो गया ना? तो एक बात आप समझिए, मैं लंबी बातें नहीं करता हूं, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मगर जो मैंने कह दिया मैं वो करके दिखा दूंगा, मैं पूरा दम लगा दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने आपको मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, हमने करके दिखाया है। और मैं आपको स्टेज से गारंटी कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, न्याय योजना को हम पूरे हिंदुस्तान में चला लेंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देंगे। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, और सिर्फ राजस्थान, सिर्फ बूंदी के युवाओं से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से, पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने आपका टाइम जाया किया है। मैं जानता हूं कि आप इस देश से कुछ ज्यादा नहीं चाहते हो, आप मुफ्त में कुछ नहीं चाहते हो, आप सिर्फ देश के लिए काम करना चाहते हो, आप सिर्फ रोजगार चाहते हो। मैं इस बात को समझता हूं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया, नोटबंदी की, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, गब्बर सिंह टैक्स किया, आपका नुकसान किया, और पूरा का पूरा फायदा 15 लोगों को उन्होंने दिया है। आप बंबई के चक्कर काटते हो, रोजगार ढूंढते हो, कभी जाके अनिल अंबानी का घर देखिए, कभी जाके देखिए, अनिल अंबानी ने जिंदगी भर में हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया उसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट के सब हवाई जहाजों बनाती है। यूपीए की सरकार ने साफ कहा था, देखिए एयरफोर्स को राफाल हवाई जहाज खरीदना है, 126 हवाई जहाज खरीदने हैं, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हवाई जहाज बनाएगी, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के प्रदेशों में हवाई जहाज बनेगा, हाईटेक हवाई जहाज बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, सिर्फ हवाई जहाज नहीं बनेगा, अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी, हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स, हवाई जहाज का रेडार, उसमें मिसाइल जो लगते हैं, सब कुछ हिंदुस्तान में बनेगा। एचएल को बनाना था, बहुत फायदा होता, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलता। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, फ्रांस जाते हैं, युवाओं अच्छी तरह सुनो समझो, फ्रांस गए, उनके साथ अनिल अंबानी गए, 126 हवाई जहाज के बजाय 36 हवाई जहाज कर दिया, 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, चौकीदार, हिंदुस्तान के चौकीदार ने हमें साफ बता दिया था कि अगर फ्रांस को हवाई जहाज बेचना है
तो अनिल अंबानी के साथ सौदा करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए इंटरनेट युवाओं, आप इंटरनेट पर जाओ, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम हॉलैंड है, हॉलैंड का बयान देख लो, वहां साफ उसने बोला है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने हमें बताया 1600 करोड़ रुपए का खरीदना है, 36 खरीदने, अनिल अंबानी को दिलवाना है। भाई और बहनों 30,000 करोड़ रुपए, मतलब एक साल जो मनरेगा का पैसा है, एक साल जो मनरेगा को चलाने का पैसा है, वो नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया, आपसे चोरी किया, एयरफोर्स से चोरी किया। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है भैया मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं तो जांच करूंगा, नरेंद्र मोदी उसको 1:30 बजे रात को निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको वापस लाओ, नरेंद्र मोदी ये वापस लाता है, फिर कहता है 5 घंटे बाद कहता है इसको निकालो, फिर से निकालो। भाई और बहनों, दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, एक हिंदुस्तान होगा और उसमें सबको न्याय मिलेगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप जेब से पैसा निकालकर उन्हीं 15 लोगों को देते हो। किसी किसान को अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हो, लॉयर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, तो पहले लाखों रुपए निकालकर अनिल अंबानी को दो, फिर अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो। कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर होता है, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, अनिल अंबानी के अस्पताल में जाओ, लाखों रुपए निकालो, पहले वहां डालो, फिर इलाज होगा। किसान बीमा लेता है, आपका पैसा आपकी जेब से पैसा भी निकलता है, सीधा आप उसको अनिल अंबानी की जेब में डालते हो, बीमा भी बीमा की कंपनी भी वो चला रहे हैं, अलग अलग जिले बांट रखे हैं, 15 जिले उसको दे रखे हैं, 15 जिले उसको दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर अनिल अंबानी को दे रखा। आप अपना पैसा दो, बारिश आती है, तूफान आता है, नुकसान होता है, आपको कहा जाता है भैया आपको तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो तो अनिल अंबानी को मिल गया, नीरव मोदी को मिल गया, मेहुल चौकसी को मिल गया, उन्हीं 15 चोरों को, और दिन भर आप काम करते रहो, आप फावड़ा चलाओ, आप खून लगाओ, खून पसीना दो। अच्छा, और फिर क्या होता है जब आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हो, भैया बेरोजगारी कैसे है, जब आप कहते हो बेरोजगारी कैसे है इतनी, जब आप कहते हो भैया किसान का तो कर्जा माफ नहीं किया, जब आप कहते हो भैया देखो 15 लाख रुपए तो आपने नहीं दिए, फिर नरेंद्र मोदी कहता है देखो सेना के पीछे जाके छुप जाता है, एकदम सेना के पीछे जाके छुप जाता है। आपने देखो भैया छोटा सा, इस साल लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, आप सबने सुना भाषण, मेरे आने से पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ, मैं हूं जो कुछ है, मैं हूं, हाथी सो रहा था, इनके आने से पहले ना सेना ने कुछ किया, ना वायुसेना ने कुछ किया, ना हिंदुस्तान की जनता ने कुछ किया, ना आपके माता पिता ने कुछ किया, नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहां कुछ नहीं हुआ। आप देखिए अलग अलग युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग युद्ध हुए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि मैंने किया है, हर एक प्रधानमंत्री कहता था कि काम सेना ने किया, काम वायुसेना ने किया, काम हमारे पायलट्स ने किया, मगर नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, मेरे बिना यहां कुछ नहीं है, मतलब किसानों ने कुछ नहीं किया, छोटे दुकानदारों ने कुछ नहीं किया, सेना ने कुछ नहीं किया, क्या 2014 से पहले आर्मी नहीं थी क्या, एयरफोर्स नहीं थी क्या, नेवी नहीं थी क्या,
तो ये भाइयों और बहनों सच्चाई है। दो तीन चीजें मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं। बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों को दिया है। हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है, हिंदुस्तान का हर युवा छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, युवा हैं जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक का एक भी रुपया नहीं दिया। बैंक की चाबी नीरव मोदी के हाथ में, मेहुल चौकसी के हाथ में, अनिल अंबानी के हाथ में। 2019 में हमारी सरकार बनेगी, बैंक की चाबी लेकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या के हाथ से छीनकर हम हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में डाल देंगे। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करो, छोटी सी कंपनी चालू करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करो और हिंदुस्तान को रोजगार देने का काम शुरू करो। किसान अपना माल उगाते हैं, सब्जी, फल, आपको मंडी में जाके बेचना पड़ता है, सही दाम नहीं मिलता। आपके खेतों के पास एक बार फिर से अर्थव्यवस्था शुरू हो जाए, न्याय योजना के बाद शुरू हो जाए, इंजन शुरू हो जाए, तो आपके खेत के पास हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे। मतलब आप आलू उगाते हो तो आपके खेत के बिल्कुल पास आलू की फैक्ट्री, टमाटर उगाते हो खेत के बिल्कुल पास टमाटो केचप की फैक्ट्री, सोयाबीन उगाते हो सोयाबीन की तेल की फैक्ट्री, जो भी आप उगाते हो आपके खेत के पास उसकी फैक्ट्री लगा देंगे। आप सीधा जाओगे फैक्ट्री में, जाओगे अपना माल बेचोगे, आपको सही दाम मिलेगा। तो ये चीजें हम करना चाहते हैं, मगर सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने अन्याय किया है उसके खिलाफ, उसके लिए हम आपके लिए न्याय योजना लाए हैं। और ये हमारी गारंटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम तो मैं पूरा करके आपको दिखा दूंगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, खासतौर से जो माताएं बहनें आई हैं। अच्छा, आपके बारे में दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, जो न्याय योजना होगी, 72,000 रुपए जो बैंक अकाउंट में जाएंगे वो आपके नाम में जाएंगे। घर में जो महिला होगी उसके बैंक अकाउंट में सीधा, उसके खाते में सीधा पैसा जाएगा। तो न्याय की शुरुआत आपसे होगी। दूसरी बात, पार्लियामेंट में, विधानसभा में महिलाओं को हम रिजर्वेशन देने का काम, 33% रिजर्वेशन 2019 चुनाव जीतने के बाद 33% रिजर्वेशन हम आपको दे देंगे विधानसभा में, लोकसभा में। अभी आप ताली बजा रही है, फिर आपको मतलब विधानसभा में लोकसभा में जाना पड़ेगा, जाएंगे आप? हां। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को रोजगार में दिया जाएगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे बूंदी से, किस तरीके से उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि 15 लाख का वादा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन 72,000 साल में उन गरीबों को दिए जाएंगे जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से कम होगी, यानी मिनिमम
गारंटी आय का इस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये 72,000 रुपए किसी गरीब परिवार के पुरुष के नाम से अकाउंट में जाएंगे। एक और बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने, कहा कि इसकी शुरुआत महिलाओं से होगी, जिस परिवार में जो महिला होगी उसके अकाउंट में ये पैसा जाएगा और सीधे तौर पर ये वादा हमने जो किया है वो हम निभाएंगे। उन्होंने किसान कर्ज माफी का वादा याद दिलाते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी का आपसे वादा है। राहुल गांधी जो वादा करते हैं कहीं ना कहीं उसको पूरा करके दिखाते हैं। किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था वो भी हमने निभाया है और अब जो हम 2019 लोकसभा चुनाव में जो वादे आपसे कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी अगर 2019 में सरकार बनती है।